वक्त मनाना के नहीं पतंग पतंग उत्सव मनाना के नहीं काइट फेस्टिवल मनाना मनाने का है। कहाँ से हो आप? राजस्थान। अच्छा राजस्थान से हो, चलो मिलते हैं, बाय बाय कह दो एक बार। तो हेलो मेरे भाई उनकी बिना आप सभी का स्वागत है उड़ता फिरता में। तो वो भाई साहब ब्लॉगर अब मार्केट बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। ये देखो क्या बात, क्या ले जा रहे हो? ये इसकी पैंट है। हाँ अच्छा, आप खरीदियो का नाम क्या है? पहले क्या खरीदा वो तो बताओ। पतंग। पतंग खरीदा? हाँ अरे पहले तो यहाँ तक मार्केट आ जाता था, अभी तो बहुत खाली है। नहीं कोरोना, अरे कोरोना तो गया अब, कितने 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 साल कोरोना में खेलेंगे। चलो मैं तो अंदर चलता हूँ, आप सब्सक्राइब कर दो चैनल, है ना? क्या नाम है चैनल का? ये पंजा लिया भैया आपने, कितने का आया ये? 100 का। 100 का पंजा? अच्छा कितने की खरीदी, कितने की की आपने? 2-3 हजार की। 2-3 हजार की? इतने में 2-3 हजार का माल है मतलब? 1500। तो आपने 3 हजार का? ये फंस गया। चलो बोलने में क्या आता है, चलो मिलते हैं, बाय बाय। तो भाई साहब ये जो अहमदाबाद सिटी है ना, बहुत कैमरा फ्रेंडली सिटी है। कितने का आता है ये? 50 के 2। ये मैंने ऐसा सुना है कि 3 फुट में आप फुला देते हो, बताओ ना जरा। हाँ दिखाओ दिखाओ। ये मतलब 2-3 फुट में ही पूरा फुला देंगे, है ना? हाँ 4 फुट में हो गया। चलो थैंक यू भैया, वेलकम भैया। ट्रैफिक की भीड़ है। तो ये जो अंबिका ट्रेडर्स है ना, बहुत फेमस है, यहाँ आपको A to Z चीज़ मिल जाएगी, मतलब कि पतंग से लेके मांझे से लेके आपको फायर क्रैकर से सब कुछ मिल जाएगा यहाँ। और बहुत ठंडा माहौल है, आप देख सकते हो बहुत ठंडा माहौल है, बाजार भरी ही नहीं है कुछ। और मार्केट बहुत ठंडा लग रहा है, मार्केट ठंडा है बहुत। अभी खाना खाने के बाद आएगा। अच्छा खाना खाने के बाद गर्म हो जाएगा? हाँ सब गर्म हो जाएगा। आप कुछ बताइए क्या लेना है भैया? हमें तवा लेना है, तवा। तवा इधर ही मिलता है भैया। सबसे महंगा पतंग कौन सा है? वो ये वाला। ये कितने का पंजा? 300 रुपए का पंजा। कितना? 300 का 5। 300 का 5 ओके। अरे सब लोग क्या करते हैं पता है? आप अगर 300 का 5 बोलते हो और कोई दूसरा आता है कोई ग्राहक लेने, तो 300 का 5 ही लोगे ना? ज्यादा तो कितना लोगे? अच्छा तो कम करके दो। देखो आप चैनल से जुड़े हुए ऐसा कह के थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में लो तो भाव में रिजनेबल रेट करके देंगे। ओके। और इनका मोदी कॉर्नर के एकदम सामने है, चलो मिलते हैं। ओके भैया ये टैप टैप ही खरीद लो, है ना, क्योंकि हाथ में नहीं तो चोट लग जाएगी। भीड़ तो भाई जम रही है धीरे धीरे करके। ये क्या प्राइस क्या है ये टोपी का? मुझे हो जाएगी? देखो मैं पहन के, मैं लेने नहीं चाहता पर मैं पहन के सबको बताता हूँ, है ना? लाओ तो ये यहाँ है ना, टोपी भी मिल जाएगी। ये ऊपर आप पकड़ना ना जरा, हाँ ऐसे ही पकड़ना। तो ये ऐसा करके पहनी जाती है बराबर, मतलब टोपी से भी ज़्यादा ये एरिया कवर करती है और जो सनलाइट होती है ना उससे भी बचाती है, बहुत मस्त है टोपी। कितने की गई? 120 रुपये। हाँ थैंक यू, चलो भैया शुक्रिया। हाँ आप आ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मतलब कि आज का मेरा मकसद है कि आपको एंटरटेन करूं और माहौल बताऊं पूरा। अहमदाबाद बहुत अच्छी सिटी है, कैमरा फ्रेंडली सिटी है, इसलिए मज़ा आता है। अभी ये ना एक मेरे फ्रेंड की शॉप पे ले जाता हूँ। अपने भैया कहाँ गए? मनीष भैया ना, मनीष। हाँ कहाँ गए वो मनीष भैया?
अनिल भैया। तो लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था, बहुत बढ़िया यहाँ वेफर मिलती है। पता नहीं वो एक भैया थे वो कहाँ गए, हाँ गाँव गए जो मेन यहाँ थे। आपकी जरा वेफर थोड़ा खिलाना ना कोई, बहुत बढ़िया मिलती है आपके यहाँ वेफर। मतलब मैं ना पूरा अहमदाबाद घुमाऊँ पर कहीं आपके जैसे वेफर नहीं, टेस्ट जैसा आपके वहाँ जैसा नहीं मिला। आप कहाँ यूपी से हो क्या? हाँ यूपी से। मतलब आपका हर साल यहाँ, आपका हर साल यहाँ लगा ही रहता ना यहाँ? तो यहाँ बहुत बढ़िया वेफर मिलती है, मैं जाते जाते ले भी जाऊँगा पर आपको बताते जा रहा हूँ यहाँ से वेफर जरूर लेना। चलो भैया अरे भैया मास्क वास्क बताना ना। वो अनिल भैया कहाँ गए? अनिल भैया बाहर गए। अच्छा तो अनिल भैया आए तब तक ये कुछ बताएंगे। ये क्या अंदर स्विच है? हाँ ये कुछ बताओ ना क्या क्या ये क्या काम करता है और कहाँ लाइट जलेगी? लाइट चलेगी, बंद होगा। हाँ तो अच्छा वाला बताओ ना। अच्छा ऐसे लाइटिंग चलेगा, वाह। सर मास्क की क्या रेट है ये? 100 रुपए की। और वो दूसरे सब मतलब अलग अलग रेट है क्या कि सब 100? सब 100 रुपए। जैसे कि सबसे महंगा मास्क कौन सा है? भूत वाला। अच्छा वो कितना प्राइस कितना है? 250। और ये सब 100 रुपए। मतलब के भाई साहब आपको स्पाइडरमैन बनना हो तो आप 100 रुपए में स्पाइडरमैन बन सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि वो करोड़िया यहाँ कटवाना पड़ेगा। तो अनिल भाई आ गए हैं तो हमने मास्क तो देख लिया, अब दूसरा क्या बताओ? कि सिकुड़ा बताओ। क्या प्राइस क्या है? 70 रुपये। ये उसको क्या कहते हैं? बाहुबली पिकुड़ा। और ये 70 रुपये। अच्छा 40 वाला तो भी लोग भाव करा दे 40 रुपये तो भी। चलो अच्छा लगा। कितना नहीं पतंग ली थी? कितना रुपया? अरे बिजनेस की। अच्छा बिजनेस वाला जो था मैं। आप पतंग नहीं आटली मस्त तुम्हारी है। खूब भाव शू से पेलानो? क्या प्राइस है? 2000 की है, दोनों 2000 की है। अच्छा और ये रॉकेट प्लेन एयर फाइटर? ये जो है 400 वाला है। 400 वाला है और दूसरा 250 वाला है। अच्छा ये 250, वाह क्या कलेक्शन है, अमेजिंग कलेक्शन है। देखो ये इसके साथ ये फ्री बारबी डॉल इसके साथ ही आएगी, इसके साथ ही आएगी। कंप्लीट आती है। अच्छा वो कितने की है? 550 की है। 550। ये कहीं पे बता दो आप? ये YouTube पे बताता हूँ। मेरे पे तो नहीं आता है। आता है क्यों नहीं आएगा? तो ये जो हनुमान मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, वो क्रॉस करने के बाद बहुत बढ़िया बढ़िया शॉप है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। एक्चुअली आगे भी शॉप है बट क्वालिटी वाइज मुझे इतनी अच्छी पतंग यहाँ नहीं देखने को मिली। कितने फीट की है ये? 4 फीट की। प्राइस क्या है पंजे का? 800 रुपये का। 800 रुपये का पंजा। और सबसे कम भाव वाली कितनी है, कौन सी पतंग है ये इसका क्या भाव है? 100 रुपये का एक कौड़ी 20 नंग। ओके क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है। देखो अंदर भी कितनी मस्त है वो पतंग। ऐसी पतंग तो मैंने कहीं देखी ही नहीं। प्राइस क्या है इसकी? ऐसी तो कहीं देखने को ही नहीं मिली। हाँ भैया तो भाई साहब मैंने पूछ लिया है 100 रुपये की कौड़ी पड़ी, 100 रुपये का पंजा, 100 रुपये का पंजा है। और यहाँ जो क्वालिटी वाइज पतंग देखने जाओ तो बहुत बढ़िया है। लास्ट टाइम आपको मैं मिला था वो, हाँ धर्मेश भाई के वहाँ मिले थे। हाँ वो याद है। ये प्राइस क्या है इसकी?
इसकी प्राइस बोलो उसकी बोलो, बहुत बढ़िया बढ़िया पतंग है आपके पास। 200 रुपया, 200 का सिर्फ, 200 का पंजा, क्या अच्छी बात है। 150 का सिर्फ, वाह। और कितने से स्टार्ट, कितने से होती है कौड़ी? 100 रुपये की कौड़ी। वो कौन सी है पतंग इसमें से? ये 100 की कौड़ी। ओके, ये सब 100 की कौड़ी। ओके, ये भाई एक बार आवजो के दो आवजो। तो लास्ट टाइम मैंने बहुत मेहनत से ना एक शर्ट बनाया था, काइट्स वाला, एकदम जेठा लाल टाइप का, बहुत मेहनत से बनाया था, इसलिए सब लोग यहाँ मुझे जानते हैं काफी लोग। और हम आ गए धर्मेश भाई की दुकान पे, जिसपे यहाँ पूरे मार्केट में सबसे छोटी पतंग आप रखते हो और छोटी फिरकी। अभी क्या भाव क्या चल रहा है इसका? ये 5 रुपये की एक है। 5 रुपये की एक, अच्छा। ये 15 की, और इससे भी एक बड़ी आती है ना? ये भी है। ये धर्मेश भाई की शॉप है, काफी बढ़िया इंसान है और काफी टाइम लेके मैं लास्ट ईयर यहाँ आया था और एक शर्ट बनाया था पतंगों का। और भैया कैसे हो? ये रही, ये 5,000 बार दोहरी। 5,000 बार दोहरी। 5,000 बार क्या बोल, मजाक कर रहे हो कि सच में? वाह, इंग्लिश चरखी है। इंग्लिश चरखी, हाँ, छोटे बच्चों के लिए। हाँ, हाथ में लगेगा भी नहीं है ना, और भगवान को भी डरा सकते हैं ना, वो सब सब कर सकते। वाह, तो पूरे अहमदाबाद में सबसे छोटी और मीडियम टाइप की जो चरखी आती है वो धर्मेश भाई रखते हैं। और ऐसी बढ़िया बढ़िया, मतलब डेकोरेशन का काम आया ना वैसा भी अलग अलग कलेक्शन रखते हैं। वाह, छोटा भीम, छोटा भीम, वाह, सलमान भाई को भी रखा है इस बार। क्या बात है, देखो कितनी प्यारी प्यारी गाइड्स है। मेटल की, अच्छा, ये मेटल की, वो चलकती। वाह, ये सेट कितने का आता है? ये 20 रुपए का सेट। 20 रुपए का सेट, चार पतंग एक चरखी। वाह, बढ़िया। चलो आवजो के दो सिर्फ, बाय बाय, आवजो के दो, आवजो, बाय। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबी मोटी दुकान है और काफी लोगों से अभी मिलना चालू है, काफी लोगों से मिलना बाकी है। तो वो जो हनुमान जी का टेंपल था उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी मुझे देखने को मिली। वाह, ये कितने कितने फीट की है? 5 या 4? वाह, क्वालिटी वाइज तो आपकी दुकान ही है जबरदस्त। क्या प्राइस क्या है इसकी? 800 का वन पीस है। 800 का वन पीस। ओ हो, और वो मिर्ची, बड़ी मिर्ची, बड़ी मिर्ची है 600 की, उसको क्या कहते हैं? बड़ी मिर्ची कहते हैं कि रॉकेट कहते हैं? मुझे रॉकेट। वो कितने का है? 600 रुपये का पाँच। 600 का पाँच, वाह। ऐसा एक ही पतंग में अलग अलग कलर तो मैंने पहली बार यहाँ देखा मार्केट में। ये क्या प्राइस क्या है इसकी? 160 रुपये की 20 नंग। बहुत अच्छा, रिजनेबल भाव है, देखो क्वालिटी वाइज भी बहुत है। भगवान का दोरा भी मिल जाएगा। वाह, पन्ना वाली भी पतंगें मिलेगी, क्या प्राइस क्या है? 140 रुपये। काफी लोगों को कन्ना बांधना नहीं आता है और बांधना आता है तो कंटाल आता है। वाह, 150 रुपये पौड़ी। 150 की 20 नंग, 150 की 20 नंग। वाह, अच्छा है ये। और अलग अलग टाइप का कलर भी मिल जाएंगे, 5-5 का सेट लगता है। वाह, चलो थैंक यू। जबरदस्त, 5 फीट की 4, और प्राइस 1000 का एक। 1000 का एक, हाँ हाँ हाँ।
अगर इसको उड़ाना तो कौन सा 16000 का दूरा लगता है क्या? कोई भी जो कोई भी उड़ जाएगी। वाह क्या हाथ में लगाने की टैप कितने की? अभी क्या प्राइस चल रहा है इसका? 40 रुपए का। 40 रुपए का? हाँ। अच्छा मैं तो वीडियो निकालने आया हूँ, पतंग चकाना नहीं आता मुझे। हाँ, वीडियो में बना लो। आ गए आप वीडियो में। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, बहुत क्वालिटी वाइज पतंग और वैरायटी वाइज पतंग काफी बढ़िया बढ़िया मिल रही है आपको। सन ग्लासेस बता देता हूँ, 99 वाले। देखो 99 वाले है सब, 99 और 70 वाले भी है। चलो बढ़िया है भाई, बढ़िया। कितने कितने वाले हैं आपके पास? 100 सब 100। अच्छा, वैरायटी सब ओरिजिनल है। वाह, अलग से रेबन के भी है आरबी। हाँ हाँ हाँ, चलो बाय बाय। देखो अब मार्केट सुनसान है यार, मस्त है दुकान, है छोटी सी बढ़िया दुकान है। कौड़ी का क्या भाव है ये? हाँ 100 रुपया। 100 रुपया कौड़ी? वाह, जरा यूं घुमाना ना तो सब देख ले। वाह, वाह, आपने अच्छा बता दिया। जबरदस्त पतंग है। क्या प्राइस क्या है इसकी? 400 रुपए। 350। अच्छा, लास्ट टाइम भी आपकी शॉप पे आया था। आप ऐसी सब वैरायटी आप ही जबरदस्त रखते हो। अच्छा, पूरा का पूरा ले गया। अच्छा, अभी लग जाएगा तो मैं वापस आता हूँ। आधा पौना घंटा। ओके, वाह। ये क्या है कौड़ी का क्या? 130। सिर्फ 130? बहुत अच्छा, रिजनेबल भाव है आपका। वाह, चलो तो आता हूँ। आओ, वेलकम। यहाँ देखो मांझे भी मिल जाएंगे। अब 1000 वाली है। 250 नहीं, 2000 बार। 450 रुपया। 2000 बार, 450, 2000 बार। भगवान दूरी 1000 बार के। कितना? 250 रुपया। 250, 1000 बार। ओके, वो बरेली भी मिल जाएगी लगता है। वाह, ये बरेली है सब पांडा। क्या भाव क्या चल रहा है? 2500 का, 2500 वार का, 2000 वार का कितना भाव? 350 रुपए। ओके, तो ये सब कुछ है माहौल। हाँ, क्या बताने के लिए क्या है कुछ? सबसे सस्ती और अच्छी पतंग बताओ। 80 रुपए की कौड़ी। सिर्फ 80 रुपए? मतलब वहाँ तो सब लोग 120 रुपए ऐसे बेच रहे हैं, आप सिर्फ 80 में बेच रहे हो? वाह, क्या बात है, क्वालिटी वाइज भी अच्छी है। वाह, 2023। वाह, 100 रुपए की क्वालिटी भी अच्छी रखते हो। हाँ, चलो थैंक यू, आ गए वीडियो में। कौन सी में दिखाएगा? कौन सी में? आप मोबाइल जरा निकालिएगा। बरेली अफजल कुरेशी ग्रेट कटर मेडकर, जो बरेली की चरखी है, मिल तो जाती है पर ओरिजिनल यहाँ मिलती है। और इसका सिंबल भी आपको बताऊंगा, जो ब्रेड कटर में जो ब्लेड होती है, आप बताएंगे ना। ये जो रहता है वो अफजल ब्लेड, सब लोग क्या रहता है कि जो डुप्लीकेट डोरी रहती है उसमें खाली ब्लेड चिपका के सब बेच। हाँ, वो स्टिकर आता है। हाँ, वो स्टिकर लगा के बेच देते हैं, उसमें अफजल कुरेशी लिखा हुआ नहीं आता। प्राइस क्या है? ये आपको 900 रुपए की पड़ेगी। 900 रुपए कितने बार? ये आपको 6000 बार होती है, उसमें 6 रील, 6 रील रहती है। एक रील का मतलब 1000 बार रहता है। ओ, पर वो आपको इसमें 4000 से 4500 बार जितनी दूरी उसमें रहती है। अच्छा, और ये सतरंगी आएगी? ये सतरंगी आएगी। वाह, एक्चुअली लास्ट टाइम मैं यहाँ ही आया था इसलिए मुझे याद है, ये भाई का फेस मैंने देखा तो याद आ गया, और आपको भी याद आ गया होगा। हाँ, याद।
आ गया पता चल गया तो यहाँ आना हो तो हनुमान दादा का मंदिर याद रखना। हनुमान दादा के मंदिर से पहले आती है आपकी शॉप। बाजू में मेडिकल की शॉप है। अच्छा बाजू में मेडिकल की शॉप है और ये रहा कार्ड। अच्छा किसी को आना हो यहाँ पे आ सकते हैं। ओके 13 दिन के लिए हम सीजनेबल के लिए उत्तराण का करते हैं, बाकी का हमारा जो मेन जो बिजनेस है वो वेडिंग का। वेडिंग का 13 तारीख के बाद सब वेडिंग का। चलो तो शादी के लायक कोई मिलते हो तो आ जाओगे? तो जरूरत पड़े हमारी जरूरत पड़े तो। हाँ कार तो नहीं लिया है। ओके अच्छा ये रहा ये वो डायरो देना। हाँ ये कर लो पहले। ओके तो ये बंधे हुए घर आके मतलब कि रेगुलर कस्टमर है और कौन सा मतलब क्या लेना है, कौन सी मेकर की बरेली लेना है? अच्छा हर बार यहाँ से ले जाते हैं। कितने बार की छेरी? इस बार आ रहा है। टोटल 15 से 20 से ज़्यादा बिजली ले रही है इस बार की। मतलब ये मैं मार्केट घुमाऊँ रायपुर पर ओरिजिनल अफजलपुरे से यहाँ ही मिलती है। पूरा मार्केट मैंने छान लिया सच बात कहूँ। यहाँ पे मिलती है और इफेक्टिव मिलती है, बहुत अच्छा रहता है। इसलिए तो आप 3 साल से लगातार आते हैं तो आपको एड्रेस तो बता ही दिया है। तो आपकी शादी हो या फिर पतंगी उड़ानी हो और चरखियाँ लेनी हो तो यहाँ आ जा। कौन सी पतंग लेना होता है? तवा पतंग के रॉकेट पतंग बड़ी बड़ी वो बदली लीजिए। कितना नहीं खरीदी करी? 1000 रुपया नहीं खरीदी करी ना होए। हाँ जब कर जस ब्लॉक नहीं बना वाला। वो पतंग कितने की है? वो मस्त दिख रही है। प्रीमा हाँ कमर में बाटे प्रीमा। वाह सब ब्लॉक बन चैनल का नाम हो कमर। वो क्या प्राइस क्या है उसकी? वो 500 की। कितनी? 5 मतलब 100 की एक। वाह चलो नाम भाई। ये कौन सी तवा पतंग कहते हैं कि क्या कहते हैं? नहीं खबर भूल गए क्या? तो भाई साहब पतंग के मस्त दिख रही है पर इसको कौन सी पतंग कहते हैं वो जरा कंफ्यूज है। लंबूस बोलते हैं। लंबूस? इसको लंबूस बोलते हैं। वाह और इसको तवा कहते हैं मेरे ख्याल से कि चील कहते हैं। चील चील ना चील ना। हाँ इसको चील कहते हैं, इसको लंबूस कहते हैं। हाँ इसको बोलते हैं खंबाती। खंबाती हाँ ये सिल्वर पन्नी वाली जरा होती है इसको बोलते हैं खंबाती। और प्राइस क्या है उसका? वो मस्त है वो 200 का पंजा है। सिर्फ 200 का? 200 का पंजा। अच्छा है बढ़िया। तो यहाँ मिल जाएगा पिपूड़ा मास्क टैप और ये। अच्छा ये तो मुझे देखा ही नहीं, ये बहुत बचपन में हम लेते थे। क्या प्राइस क्या है इसकी? 10 रुपया 10 रुपये का ये सब 5। और ये पिपूड़े की क्या प्राइस है? 150 150 और ढेर सारे है मास्क। सबसे सस्ता मास्क कितने का है और सबसे महंगा कितने का है? सबसे महंगा 200 रुपये का। 200 रुपये का वो ये। अच्छा ओके डन। अच्छा ये बाल भी मिलेंगे कितने? क्या प्राइस क्या है? 250 से। चलो अच्छा है। ये कंदील भी मिल जाएंगे फानस। चलो आओ जो कह दो कह दो आओ जो आप जो। ये कतल की रात क्या होती है? कतल की रात जो उत्तराण की रात होती है ना उसको बता ना। रात को वो रात को कतल क्या बात है? कतल होती ना वो तो उत्तराण के अगले दिन होती है ना रात, उसको कतल की रात होती है। 13 जनवरी कचल की रात मतलब आप जेब काटते हो क्या? चोरी बच्चे लोग कचल की रात बोलिए। कचल की रात अच्छा इसलिए कहते हैं कचल की रात। कचल की रात मुझे जानना था काफी टाइम से। मुझे लगता है कि यहाँ मर्डर वर्डर होता है। अच्छा चलो थैंक यू एक बताने के लिए, बाकी मैं तो ये समझ रहा कि यहाँ मर्डर होता है। बहुत सारी चोरी होती है। बहुत सारी चोरी होती है।
बहुत मानसो पार्किंग के लिए पतंग से सब कुछ कट जाए। बहुत लोग पार्किंग के लिए तड़पते है, इतनी भीड़ हो जाती है। ओके थैंक यू बताने के लिए। चलो कलेक्शन वाह। ये दिल वाली पतंग का क्या प्राइस है? पंजा 1500 का पंजा। पर आप बरेली की चरखी सब रखते हो लगता है। ग्लाइडर भी है। ग्लाइडर का क्या प्राइस चल रहा है अभी? 400 रुपये। कितने बार? कितने? 2000 बार, मतलब दो रील। बढ़िया। चलो आगे बढ़ते है। वाह वो फिरकी वाली पतंग मस्त है। नहीं मजा है। ये फिरकी वाली पतंग मैंने पहली बार देखी। वाह क्या प्राइस क्या है इसकी? 100 रुपये। 100 रुपये की पाँच। ओके बढ़िया। खाली करवानु है? कितना नु? ऐसी में कौड़ी? वाह 40 रुपये कौड़ी। 70? वाह मैं आया और 70 हो गया। वाह 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 जल्दी ले लाओ। बहुत बहुत मैं पूरा मार्केट घूमा और यहाँ सबसे सस्ता आपका लगा। 80 से 70 हो गया। ये पतंग चेक करो, खाली पतंग चेक कर रही हो। पतंग है पूरा जो है कलरिंग पतंग है। कलरिंग क्या पतंग लगेगा? बढ़िया पतंग लगेगा तो कटेगा नहीं, चकता ही रहेगा। ये कैसा है? सिर्फ 70 रुपये में ऐसा? मतलब यहाँ का माल नहीं है, वहाँ का है। उल्लू तो नहीं बना रहे? अरे लेके जाओ फ्री में। आप मीडिया में लाओ तो मीडिया में नहीं। फ्री में? चलो मिलते हैं। बाय बाय। आओ जो कह दो एक बार। दुकान है रायपुर दरवाजे। आप लोग मेरे घर तक आओगे क्या? सब लोगों ने ले ली डोरी। डोरिया ले ली डोरी। कौन सा कौन सी पसंद है आपको? ब्रांड कौन सी पसंद है? मुझे तो बरेली पसंद है। मेरे को तो वाइट। हम चाइना। चाइना वाले कौन है? चलो तो ये मार्केट खत्म ही हो गई है लगता है। क्या 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 बेचते हो आप? पट्टी? हाँ 40 रुपये। हाँ बहुत महंगी है ये। 30 रुपये देना ले लो। अच्छा एक्चुअली मुझे पतंग चगान नहीं आती, मुझे है ना वीडियो बनाना आता है बस। ऐसा है क्या? हाँ बाकी 40 में आप ले सकते हो। आपका नाम क्या है? अली। अली भाई से ले सकते हो आप, यहीं मिलोगे ना। ओके ये भी टैप मिल जाएगी। ये सस्ती होगी। ये गुंडर पट्टी है। हाँ ये कितने? 30 रुपये का पैकेट है भाई। इससे क्या होता है? पतंग का इलाज होता है। पतंग का इलाज इलाज हो जाता है, ऑपरेशन होता है। हाँ इतना तो पता है अपन को। चलो मिलते हैं। बाय बाय। का क्या भाव है युद्धा का? 1000 रुपया। 1000 रुपया? 5000। 5000? इतना सस्ता? 1000 रुपया। वाह। और शिवम का क्या भाव है? वही है 1000 में। 1000 में 5000। ओरिजिनल है क्या? ओरिजिनल। बहुत कम भाव है। बाकी मैं अभी वहाँ दिल्ली जा रहा था, कहा था ना तो 2500 बार का 750 रुपया। हाँ 750 रुपया दिल्ली जा रहा था। अच्छा अरे बाप रे बाप कौन सी चैनल पे हो ये जबरदस्त। कितने तोले का कितना है? कितना तोला है? यूट्यूबर इतना होगा। मुझे तो एक डायलॉग याद है 50 तोला 50 तोला। बाकी 50 × 5 6 कर दो। ओके 5 300। 300 क्या जो 3 किलो। आपका नाम क्या है? गुल्ली भैया। सर तुम्हारो आ जाएगा अपने आप। ना आपको देखा देखा था तो लगता है सर तुम्हारो अपने आप आ जाएगा। तो हम जरा सेल्फी तो लेनी ही पड़ेगी मुझे आपके साथ। बाप रे बाप मैं गरीब यूट्यूबर हूँ। मतलब कि ये कह सकते हैं कि सनी देओल के हाथ से भी ये बाहर है। सनी देओल का हाथ है 2.5 किलो का, वो है सब पहना हुआ 3 किलो का। बाप रे बाप। वेलकम टू अहमदाबाद। चलो थैंक यू। बहुत मस्त लागे छे। આગળ તમે જોઈ શકો છો ફિલકી છે, પછી ગ્લાસીસ છે, પતંગો છે, સીટી છે, હિન્દી પર સે મેં ડાયરેક્ટ ગુજરાતી પે આ ગયા હું।
और पीछे है देखो एकदम झुम्मर। आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा।